PM Colin! Professor Thinago! Professor Thinago! College management! College management! Principal! Principal! Professor Thinago! Professor Thinago! College management! College management! Principal! Principal! प्रोफेसर सिन्हा को इंसाफ दो आंदोलन अब सिर्फ बीएन कॉलेज तक ही नहीं रहा, यह आंदोलन अब एक कॉलेज से निकलकर दूसरे कॉलेज में बड़ी तेजी से फैल रहा है। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत बेइंसाफी हुई। प्रोफेसर सिन्हा के ईमानदार, सच्चे और आदर्शवादी इंसान थे। उनकी मौत ही उनकी बेगुनाही का सबूत है। उन्होंने कॉलेज की मैनेजमेंट ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए प्रोफेसर सिन्हा को बलि का बकरा बनाया, उनका इस्तेमाल किया। हमें चाहिए कि हम एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़े। तो क्या आप सब हमारे साथ हैं? प्रोफेसर सिन्हा को, प्रोफेसर सिन्हा को, प्रोफेसर सिन्हा को, सच को हम खोने नहीं देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। PM कॉलेज मैनेजमेंट, 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 PM कॉलेज मैनेजमेंट। देख सकते हैं कि पीछे अभी अभी स्टूडेंट्स पर हमला हुआ है। पता नहीं ये कौन लोग हैं, लेकिन लगता है कि ये लोग नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स अपनी आवाज बुलंद करें।
कॉलेज ट्रस्टी हाय हाय कॉलेज ट्रस्टी हाय हाय कॉलेज ट्रस्टी हाय हाय प्रोफेसर सिन्हा के खूनी को सजा दो प्रोफेसर सिन्हा के खूनी को सजा दो प्रोफेसर सिन्हा के खूनी को सजा दो सुजल गरेवाल हाय हाय सुजल गरेवाल हाय हाय कॉलेज ट्रस्टी हाय हाय कॉलेज मैनेजमेंट हाय हाय कॉलेज मैनेजमेंट हाय हाय कॉलेज ट्रस्टी हाय हाय ये सब क्या है सुजल तुम यहाँ चुपचाप बैठे हुए अपनी और हमारी बदनामी कैसे देख सकते हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह हमारे परिवार का नाम आज तक किसी ने नहीं उछाला देखो सुजल तुम जाकर उन लोगों को रोकने की कोशिश करो या तो मैं खुद जाकर उन्हें रिलैक्स मामा आप फिक्र मत कीजिए मैं कुछ करता हूँ लेकिन ये फिक्र करने की बात है सुजल तुम बेशक ऐसा ना सोचो लेकिन मैं अपने कान और आंख बंद करके नहीं बैठूंगी हेलो कमिश्नर खुराना हियर नमस्कार मैं वसुंधरा रहेजा बोल रही हूँ हाँ मिसेस रहेजा कहिए क्या बात हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है क्यों क्या हुआ कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे घर के सामने जुलूस निकाल कर धरना लगा रखा है और मुझे डर लग रहा है कि वो हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे आप फिक्र मत कीजिए मिसेस रहेजा मैं अभी पुलिस भेजता हूँ थैंक यू वेरी मच कमिश्नर थोड़ी देर में यहाँ पुलिस पहुंच जाएगी आप सब लोग कृष्ण जी के साथ हैं। इसका नाम भलेराम ये प्रोफेसर सिन्हा के केस में गवाही देना चाहते हैं कौन ये जी मैं कॉलेज का प्योर हूँ साहब हवलदार राम सिंह सर इनका बयान लिखो हाँ बोलो मैं उस दिन चाय दे के आ रहा था और वहाँ पर प्रोफेसर द्विवेदी आए जीप निकालो हमें प्रोफेसर द्विवेदी के यहाँ चलना है तब तक आप लोग यहीं रुको तुम में से कुछ लोग इंस्पेक्टर के साथ जाओ और कुछ लोग मेरे साथ रुको चार्ज कर दिया है क्या और वो यहाँ सबको मार मार कर भगाना चाहती है दी देखो तुम लोग घबराओ और सब लोग एक साथ हैं बस रहेगा पुलिस ने वहां लाठी चार्ज कर दी है मम्मी नहीं तुम लोग मत आओ भलाराम तुम और ये कुछ लोग यही रुको ठीक है तुम लोग मेरे साथ चलो साहब आप हमें आपके घर की तलाशी लेनी है क्या कर रहे हैं आप कैसे तलाशी जाओ तलाशी लो ए रुको ए रुको रुको ए
रुको। साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप हमारे काम में दखल दे रहे हो। लेकिन लेकिन क्या वारंट है क्या आपके पास? क्या वारंट? मैं चुपचाप। रुको, हम लोग अपना काम कर रहे हैं ना, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आप लोग यही खड़े रहे, यही खड़े रहे आप लोग। सर, लेकिन मैंने पूछे क्या? मैं कुछ नहीं जानता। क्या कर तुम लोग? रुको, कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून का अपने हाथ में मत लो। रुको, प्रोफेसर द्विवेदी, चलिए। क्या साबित करना चाहती हो तुम? हाँ, अपने पापा को बेकसूर साबित करना चाहती हूँ। यह सिर्फ एक पागलपन की कोशिश। तुम्हारे पिताजी का शुरुआत थे पेपर्स बेचे थे, तुम्हें यकीन नहीं आता ना? ये देखो, यही है वो लड़का जिसे प्रोफेसर सिन्हा ने पेपर्स बेचे थे। बोलो बोलो, सच्चाई क्या है? सर, सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने पुलिस के सामने झूठ कहा था सर। सिन्हा साहब ने मुझे पेपर बेचने के लिए पैसे नहीं दिए थे, तो किसी और ने मुझे पैसे देकर यह सब कहने के लिए कहे थे सर। मुझे माफ कर दीजिए सर। किसने पैसे दिए थे? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर। मैं बताती हूँ, इसे एसी कॉलेज के प्रोफेसर ने पैसे दिए झूठ बोलने के। अगर तुम्हें सच जानना है तो चलो मेरे साथ। ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, ठीक सुजल। मैं जानती हूँ कि ये पुलिस तुमने भेजी। इससे पहले कि और बेगुनाहों की जान जाए, मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें रोक सको। कशिश, मैंने ये सब चले। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में मिलूंगी।
इंस्पेक्टर साहब, यही है वो स्टूडेंट जिसने ये गवाही दी थी कि प्रोफेसर सिन्हा ने इसे पेपर्स दिए, लेकिन आज इसने कबूल किया कि इसने झूठ कहा था किसी और के दबाव में आकर। हाँ सर, ये सही बोल रहे हैं। प्रोफेसर द्विवेदी के कहने से मैंने ये सब कुछ किया। ये झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट, ये हमारा काम है। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा? क्या कर रहा है आप? क्या कर रहे आप? क्यों किया तूने ऐसा? मैं ये बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सब करने के लिए मुझसे कहा गया था ताकि कशिश आलूवालिया का ध्यान मिस्टर आलूवालिया और कशिश जी की बहन की हत्या से हटकर कहीं और लग जाए। फिर क्या मालूम था प्रोफेसर सिन्हा की मौत ही हो जाएगी। किसने कहा था तुमसे ये सब? कौन है वो? मैं पूछ रही हूँ कौन? उनका नाम है शिप्रा आलूवाल। माफ कर दीजिए प्लीज। प्रोफेसर सिन्हा वॉज ऑनेस्ट, वो बेकसूर थे और हमने, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं प्रिंसिपल साहब, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं तो सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि मेरे पापा ने पैसों के लिए कोई गुनाह नहीं किया। अब ये साबित हो, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरा काम खत्म हो गया। गम है तो इस बात का कि इस सब में मैंने अपने पापा को खो दिया। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मिसेज आलूवालिया, हमारे साथ चलिए प्लीज। कहाँ? प्लीज कम विद मी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पापा ने ये सब कुछ पैसे से? सुजल आज तक कोई उनसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनकी ईमानदारी की कसमें खाते हैं लोग। और तुमने इतना बड़ा इल्जाम, तुमने हमारी खुशहाल दुनिया को उजाड़ दिया, हमें अपने घर से बेघर कर दिया। मेरे पापा पर झूठा इल्जाम लगाया। सॉरी कशिश, पर उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं तुम्हारा साथ दे ही नहीं पाया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।